एक बुनियादी एथलेटिक गतिविधि और शक्ति को मापने के लिए एक प्राकृतिक साधन के रूप में भार उठाने की मिस्री प्राचीन और मिस्र के दोनों समाजों में मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में अपने अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बढ़ाते हुए वेटलिफ्टिंग उन कुछ खेलों में से था जो 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में दिखाए गए थे। स्नैच में बार को एक विस्फोटक गति में खींचा जाता है जिससे फर्श को पूर्ण बांह की लंबाई के साथ ऊपर ले जाया जाता है। प्रदर्शन करने के लिए लिफ्ट को आसान बनाने के लिए एथलीट आमतौर पर अपने पैरों को जल्दी से मोड़ते हैं जबकि बार हाथ की लंबाई पर बार को पकड़ने के लिए बार उठ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण घटना को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए महान ताकत और अंधा गति की संयुक्त विशेषताओं की आवश्यकता होती है। दुनिया में सबसे अच्छा भारोत्तोलक हल्के वजन वर्गों में स्नैच में उनके शरीर के वजन का 2.5 क्लीन और जर्क क्लीन एंड जर्क में बार को फुल आर्म्स लेंथ के साथ ऊपर उठाया जाता है। हालांकि इसे एक घटना माना जाता है। क्लीन एंड जर्क में वास्तव में दो लिफ्ट हैं जिन्हें एक के तुरंत बाद पूरा किया जाना चाहिए। क्लीन में बार को कंधे के स्तर पर लगभग आराम के बिंदु तक फर्श से विस्फोटक गति में उठाया जाता है। नियम निप्पलों के ऊपर छाती से एक क्षेत्र के भीतर बार को ऊपर उठाने की अनुमति देता है। क्लीन और जर्क के दूसरे भाग झटका में पैर झुकना और फिर दोनों भुजाओं और टांगों को विस्तार देना एक विस्फोटक गति में हाथ पर पूरी बांह की लंबाई तक बार लाना होता है। प्रदर्शन करने के लिए लिफ्ट को आसान बनाने के लिए एथलीट आमतौर पर स्प्लिट स्थिति में गिर जाते हैं या केवल अपने पैरों को जल्दी से मोड़ते हैं जबकि बार को हाथ की लंबाई पर पकड़ने के लिए बार बढ़ रहा है। चूंकि एथलीट सी और जे में दो चरणों में बार उठा रहा है इसलिए स्नैच की तुलना में सी और जे में भारी वजन उठाया जा सकता। वेट कैटेगरीज पुरुषों की प्रतियोगिताओं को 8 बॉडी वेट श्रेणियों 56 किलोग्राम 62 किलोग्राम 69 किलोग्राम 77 किलोग्राम 85 किलोग्राम 94 किलोग्राम 105 किलोग्राम एंड मोर देन 105 किलोग्राम महिलाओं के लिए 7 वजन विभाजन है। 48 किलोग्राम 53 किलोग्राम 58 किलोग्राम 63 किलोग्राम 69 किलोग्राम 75 किलोग्राम। बेसिक रूल्स वेटलिफ्टिंग लिफ्टो स्नैच एक एकल आंदोलन है जहां लिफ्टर एक विस्तृत पकड़ में बार को रखता है, एक आंदोलन में जमीन के ऊपर से वजन उठाता है, फिर बार ओवरहेड को पकड़कर खड़ा होता है। द क्लीन एंड जर्क एक दो भाग आंदोलन है। सबसे पहले लिफ्टर बारबेल को कंधे की चौड़ाई की पकड़ में रखता है, फिर भार को कंधों तक खींचता है और फिर कंधों पर संतुलित बारबेल के साथ खड़ा होता है। एक बार व्यवस्थित हो जाने पर लिफ्ट बार के ऊपर के हिस्से को स्नैप करेगा और नियंत्रण ओवरहेड में बारबेल के साथ फिर से सीधा खड़ा होगा। एक बार लिफ्टर के नियंत्रण में होने के बाद न्यायाधीश डाउन सिग्नल देंगे और लिफ्ट बार को नीचे कर देगा। द कॉम्पिटिशन प्रत्येक लिफ्टर को स्नैच और क्लीन एंड जर्क में से प्रत्येक में 3 प्रयास दिए जाते हैं। सबसे पहले एक सत्र में सभी लिफ्टर्स स्नैच में सभी 3 प्रयासों को पूरा करेंगे, फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद सभी लिफ्टर्स क्लीन एंड जर्क में 3 प्रयास करेंगे। सर्वश्रेष्ठ स्नैच और सर्वश्रेष्ठ क्लीन और जर्क का कुल पदक या ट्रॉफी प्लेसमेंट निर्धारित करता है। प्रत्येक लिफ्टर अपने वेट वर्ग में अन्य वेटलिफ्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन अधिकांश सत्रों में कुछ भार वर्ग मिश्रित होते हैं। ओपन इवेंट्स में वेट क्लास और एज क्लास दोनों को अक्सर मिलाया जाता है। युवा भारोत्तोलक 17 वर्ष से कम आयु के हैं, जूनियर लिफ्टर 20 वर्ष से कम आयु के हैं, सीनियर्स ओपन हैं और मास्टर्स 35 से अधिक हैं। जजिंग 3 जजेस बैड लिफ्ट से गुड लिफ्ट को अलग करने के लिए लिफ्ट की गलत विशेषताओं को देखते हैं। यहाँ मूल आइटम जजेस की तलाश में है। लिफ्टर का कोई भी हिस्सा पैरों को छोड़कर प्लेटफॉर्म को नहीं छुएगा। लिफ्टर बारबेल को प्रेस नहीं कर सकता है। कोहनी मुड़ी हुई होने पर प्रेस आउट होता है और लिफ्टर कोहनियों को बाहर निकालने के लिए भुजाओं की ताकत का उपयोग करता है। लिफ्ट को एक निरंतर आंदोलन में सभी होना चाहिए, कोई रोकना और पुनः आरंभ नहीं करना। लिफ्टर को शरीर के सभी हिस्सों में बार को स्थिर और गतिहीन रखना चाहिए जब तक जज नीचे का संकेत न दे दे। लिफ्टर को लिफ्ट पूरी होने पर कम से कम नीचे कंधे के स्तर का मार्गदर्शन करना चाहिए। ओवरहेड से गिरना खतरनाक और एक गलत गति है। लिफ्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान लिफ्टर को प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए।